सर, मेरा नाम है विनोद सिंह। विनोद सिंह, एक साल से मेरा दुकान है चंचौरा व्यापार में, एक साल से तकलीफ हो रहा है, एकदम खत्म ठेकेदार है, नीतीश कुमार खत्म है। देखिए फंस गया है, आइए बंद भी हो गया, हम दिखाते हैं, आइए आइए इधर आइए दिखाते हैं कैसा लग रहा है। चाहिए तो पुल आप लोग बना करके वैसा रखे, यहाँ खतरा हो जाए तो क्या करोगे, दोगे खर्चे। उनका फंस गया है और निकलवाएंगे हम लोग, थोड़ा सा उनका हेल्प करेंगे। आइए आइए आइए, यहाँ से निकालने क्या स्थिति है, अभी इसको हम लोग ढक्कन लगा रहे हैं, ये देख लीजिए स्थिति क्या है और किस तरह से यहाँ काम कराया जा रहा है। 6 महीना पहले यहाँ पे दिख, आने जाने में भैया दिक्कत हो रहा है आपको? जी दिक्कत हो, क्या दिक्कत हो रहा है? रास्ता खराब है। मतलब कब से ये रास्ता खराब है? बहुत दिन से है। जैसे यहाँ पे अगर इधर से एक गाड़ी आएगा तो इस गड्ढा में गिरना ही गिरना है। हाँ, आप देख सकते हैं कि, ठीक है भैया, अभी आप देख सकते हैं कि हम माधोपुर पुल पे उपस्थित हैं और यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है और लगभग ये 2-3 मंथ से हो रहा है। और यहाँ पे आने जाने वाले के लिए कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो बिहार सरकार का पुल विभाग है उसको देखना चाहिए इस तरह का। इंजीनियर साहब भी कहाँ सोए हैं उनको पता नहीं चल रहा है। चाचा दिक्कत हो रहा है आने जाने में? दिक्कत बहुत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है आने जाने में, रास्ता जो है सही नहीं है अभी। अच्छा, हाँ। कब से ही रास्ता सही नहीं है? कब से, जब से पुल बन रहा है तब से। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन थोड़ा इस गड्ढा को दिखाएं, थोड़ा सा दिखाइएगा इसको। कहाँ से हैं? महाराजगंज से। जो माझी बरौली पथ बन रहा है कितने दिन से बन रहा है? आप तो काफी इस रास्ते में आते जाते होंगे। इतना तो घटिया कंट्रेक्टर नहीं है जो चंचारा से लेकर के माझी तक रोड बना रहा है। जी बहुत घटिया कंट्रेक्टर है, कम से कम इसको 2 साल लग गया बनाने में। 2 साल तब, और इसको 6 महीना में बनाने का मतलब दावा कर रहा है इंजीनियर साहब कि 6 महीना में 65% काम हो गया है। इंजीनियर झूठ बोल रहा है, घुसखोर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब ये बोलोरो जा रही है तो उस साइड से जब कोई भी गाड़ी आएगी तो इस गड्ढा में गिरना ही गिरना है। और लगभग देखिए देखिए चाचा क्या बोलना चाहेंगे? हम यही से बंसी छपरा, नाम थे चंचौरा पंचायत, मेरा नाम है विनोद सिंह। विनोद सिंह, एक साल से मेरा दुकान है चंचौरा व्यापार में, एक साल से तकलीफ हो रहा है, एकदम खत्म ठेकेदार है, नीतीश कुमार खत्म है, उसको एकदम हराई। अब की जिस तरह से ये पुल बन रहा है तो आप लोगों को आने जैसे 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 बरसात चल रहा है तो इसके पहले यहाँ तो मिट्टी गिराना चाहिए ना, डाइवर्जन लगा है तो आप लोग एकदम खत्म है पूरा रोड, एक साल से बर्बादी है, बर्बादी एकदम। अभी अभी एक चंचौरा पंचायत के हमारे सरपंच साहब आ गए हैं। जिस तरह से यहाँ कार्य चल रहा है, आने जाने में सबको परेशानी हो रहा है, अभी इसी रूट से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? कुछ वैसा आप लोग मतलब जो ठेकेदार है इंजीनियर है उनसे बोले कि इसको कम से कम डाइवर्जन नहीं लगा है ना इंडिकेटर लगा है, इस पे कुछ विचार किए आप लोग, कहे हैं उनसे? ठेकेदार साहब तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, खाली लेबर लोग हैं, इन लोग से क्या पूछा जाए कब तक काम होगा। काम रोकना चाहिए ना, जैसे कुछ लोग आ रहा है गिर जा रहा है, जैसे हमारे पास फुटेज है, वीडियो हम दिखा देंगे उसमें गिरा है। तो आप लोग जो पब्लिक प्लेस पे, आप लोग जो पब्लिक का हेल्प करने के लिए जनप्रतिनिधि है तो क्या कर रहे हैं? बरसात का मौसम है, पानी लगा हुआ है, लोग तो ऑटोमेटिक गिरेगा इसमें। नहीं, बरसात तो 2 दिन पहले से हुआ है, थोड़ा सा हट जाइए, इस गाड़ी वाले को जाने दीजिए। बरसात तो 2 दिन से, तो पहले से ये जो ठेकेदार है परिवहन विभाग उसको इस पे ध्यान देना चाहिए ना। ध्यान देना चाहिए, कहे नहीं देना चाहिए, आप लोग हैं, आप लोग आवाज उठवाइए। हम लोग लगातार हम लोगों को साथ में लीजिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब एक शब्द में, मतलब एक वाक में आप बोलिए इसको, किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए, ठेकेदार हो चाहे फोरमैन हो चाहे इंजीनियर, डीएम साहब के पास ठेकेदार के खिलाफ आवेदन देना चाहिए। मतलब इसमें धांधली हो रहा है काम में, धांधली हो रहा है, आए दिन गाड़ी का छिनतई भी हो रहा है इस रोड के चलते। जैसा कि ये रोड हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका बुरा हाल हो चुका है। बरसात के पहले 4 मंथ से लगभग ये पुल का निर्माण हो रहा है और कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पे आए हुए थे, आकर के ठेकेदार लोग से बोले भी थे कि देखिए जो टुक टुक जा रहा है इसका देखिएगा कैसे इसका स्थिति क्या होगा, और मतलब अगर दुर्घटना भी हो सकता है तो जो पथ विभाग मंत्री हमारे नितिन नवीन जी हैं तो इस पुल का और पूर्ण निर्माण जो हो रहा है इसका हाल देखिए फंस गया है। आइए बंद भी हो गया, हम दिखाते हैं, आइए आइए इधर आइए दिखाते हैं
कैसा लग रहा है चाहिए तो पुल आप लोग बना करके वैसा रखेंगे, यहाँ खतरा हो जाए तो क्या करोगे, दोगे घर से? अभी परसों गए हैं इधर से तो नतीजा गाड़ी का हो गया, टायर पंचर हो गया, गाड़ी खतरा में, फिर जा करके छोटे रिक्शा से हम आ रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, डॉक्टर के पास से गाड़ी से जा रहे हैं। रुक गई गाड़ी, अब ठेलना पड़ेगा इसको, कैसे करेंगे, उतरना पड़ेगा। देखिए बूढ़े दादी को ले जा रहे हैं, मतलब अनहोनी होना ही है, दुर्घटना होना ही है, कोई अभी वो गाड़ी उनका फंस गया है और निकलवाएंगे हम लोग, थोड़ा सा उनका हेल्प करेंगे। आइए आइए आइए, आप बनाते रहिए। अब देखिए हम लोग गाड़ी को ठेल के यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या स्थिति है अभी, इसको हम लोग धक्का लगा रहे हैं, ये देख लीजिए स्थिति क्या है और किस तरह से यहाँ काम कराया जा रहा है। 6 महीना पहले यहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ देखिए, यहाँ ये दिखाइए यहाँ पे कैसा स्थिति है, यहाँ दिखाइए, ये गड्ढे को दिखाइए, इधर से स्कॉर्पियो को बैक करना पड़ रहा है, नहीं तो यहीं पे ये तीन चक्का का गाड़ी जो है उलट जाएगी। क्या कहिएगा इस रोड के बारे में, कुछ कहना चाहिएगा? बुरा स्थिति है, आदमी जा पैदल चलने में डर रहा है, गाड़ी ले जाने में डर रहा है, क्या हो जाएगा, कब भर जाएगा, खतरा हो सकता है, अंदर गिर सकती है गाड़ी। अभी मिट्टी पहले भी इस रोड का वैसा ही हाल था, जो कि मतलब लोग गिर जाया करते थे, और ये गाड़ी जब जा रही है तो यहाँ देखिए कैसे स्थिति क्या है। अब देखिए वो अंकल जी को पैदल आने में गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, उधर से जो बाइक आ रहा है कहाँ जाएगा, ये कीचड़ में गिरना ही गिरना है। क्या है आप इसका ठेकेदार है? मिस्त्री है, फोरमैन है, मिस्त्री है। तो जो आप काम करा रहे हैं तो कम से कम वहाँ का गड्ढा क्या नहीं भरवाए, गड्ढा भरवाए ना वहाँ पर, अभी वहाँ गड्ढा भरे हैं। ये जो 4 साल पहले, जो 4 दिन पहले हम आकर के बोले थे कि इसको आप लोग बरसात से पहले ठीक करा दीजिए, क्यों नहीं कराए आप लोग? हुआ है सर जी, हुआ है, कहाँ, इधर कैमरा के साथ देखिए ना, देखिए ना वहाँ पर। अरे अच्छा, चलिए 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 चलिए, हम हाँ मुंशी हाँ, चलिए चलिए मुंशी के बुलाए, कहाँ है मुंशी जी, खा रहे हैं, आइए। हाँ हाँ, तो आप बीच में मत आइए, दारू पिए ना, ठीक है ठीक है, आपको हाँ आएंगे आपके पास दिखाते हैं। मुंशी जी आप ही हैं, हम पहचान रहे हैं आपको, क्योंकि हम 10 दिन पहले खाना खा लिए, हाँ खा रहे हैं, हम आपसे 10 दिन पहले मिले थे, हम बोले थे ना, क्या बोले थे? और पास में जाइए थोड़ा सा, और रास्ता बनवाने के लिए बोले थे, तो अब हम तो जो जीएसबी का माल गिरवा दिया। रास्ता कब बनवाया है, मिट्टी कब डलवाए हैं? अभी दो तीन दिन पहले, हम कितने दिन पहले आए थे कि बरसात होने वाला है, आप इसको तो उसके पहले मिट्टी भरवाया गया था, मिट्टी भरवाया, वहाँ गड्ढा पूरे जगह दिखाए थे, गाड़ी चल रहा है तो मिट्टी उड़ेगा ही, एक्सीडेंट है, 5 गो एक्सीडेंट हुआ है इस रास्ते में, कौन जिम्मा लेगा इसका? इंजीनियर साहब का है, इंजीनियर साहब क्या नाम है, इंजीनियर साहब का फोरमैन कौन है यहाँ का बताइए, यहाँ पे नहीं है, नहीं बताइए, यहाँ पे नहीं है, नाम बताइए फोरमैन का, फोरमैन का नाम नहीं, इंजीनियर का नाम बताइए, इंजीनियर का भी नाम नहीं, आरसीडीसी सिवान से होता है ना, इंजीनियर का नाम क्या है, नहीं नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं, कितना दिन में काम कंप्लीट करिएगा? काम लगले है, देखिए काम हो रहा है, गुणवत्ता सही है, काम सही हो रहा है, काम को रुका भी नहीं है, काम में एक मजदूर के नाते यहाँ पे किस तरह से धोखा किया जा रहा है वो आप सुन रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं, जो भी वो लड़का भाग के गया, और उसका आप आईडी दिखाइएगा, आप हंस रहे हैं, सेफ्टी आप अगर आपको कुछ हो जाता है, बिना सेफ्टी का काम करते हैं क्या करिएगा, कौन जिम्मेदार देने वाला का किस तरह से यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे वर्कर है ना सुरक्षा के दृष्टि से काम करते हैं, जब ये अपना सुरक्षा नहीं लिए हैं तो पब्लिक का क्या लेंगे, पब्लिक डेली उस कीचड़ में गिरती है, किसी का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, दो का हम लोग ले जा करके डॉक्टर एस कुमार में उसको एडमिट कराए, और यहाँ के जो मिस्त्री हैं और जो मुंशी हैं खुद दारू पी करके काम करा रहे हैं, तो जो और 18 से नीचे का भी वहाँ पे जो भी है मजदूर काम कर रहा है, तो देख लीजिए नितिन नवीन जी किस तरह से परिवहन विभाग के जो भी अभियंता हैं या कुछ भी हैं काम करा रहे हैं, काम करते हैं भाई, इसमें काम करते हैं ना, क्या नाम है आपका? जब आप काम करते हैं तो टोपी और ग्लव्स और शूज पहन के करते हैं, दिया है ठेकेदार आपको, ठेकेदार साहब दिए हैं? अरे इधर कस के बोलिए ना, नहीं आप काम करते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है कौन जिम्मा लेगा इसका, नहीं ना मिलता है, देख लीजिए सर थोड़ा सा यहाँ का हाल भी देखिए कैसे काम हो रहा है, तो किस तरह से यहाँ का हाल है और पब्लिक भी क्या है, और बोल रहे हैं कि देखिए हम मिट्टी डलवाए हैं, ये ऐसे स्थिति 2 महीना से बना हुआ है, लेकिन
कोई ये नहीं है। और अभी अभी आप सुन ही रहे थे कि मेरा पर्सनल गाड़ी है, देखिए यहाँ पे मिट्टी डलवाया गया, तब देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, देख रहे हैं ना। जब साइड से ट्रक आती है, उधर से एक गाड़ी आती है, तो एक साइकिल नहीं हिलेगा, इसमें गिर करके अपना पैर हाथ तोड़ता है लो। कामों का यहाँ पे देखिए, ये पुल जो पहले से ही स्थिति इसका डैमेज था, अब जब देख लीजिए भाई, जब साइकिल से जा रहे हैं तो क्या स्थिति है, क्या भाई परेशानी हो रहा है आपको? परेशानी हो रहा है भैया। अब देखिए कैसे कैसे वहाँ गड्ढा है, अगर उधर से कोई एक भी गाड़ी आती है। अब देखिए वो जब पुल पे चढ़ रहा है मजदूर काम करने के लिए, तो वहाँ देखिए ना, उसके में सर में टोपी है, ना जूता है, ना ग्लव्स है, कुछ भी वैसा सेफ्टी के नजर से काम नहीं है। ये देख लीजिए बाबा का नजर, देख रहे हैं ना। अरे बहुत दशा खराब है भैया। चाचा कब से ही दिक्कत होता है? अरे हम 2-3 महीने से, 6 महीने से इसको झेल रहे हैं, इतना परेशान। तो आप लोग इस पे ठेकेदार या जो भी है, इसको बोले नहीं कि पहले दुरुस्त कराओ बारिश आने के पहले? अरे इनको भी समझना चाहिए ना। हाँ तो समझना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं आप तो आम ही पब्लिक तो सब उठा सकता है चाचा, आप लोग नहीं बोलते हैं तो इसलिए इसे दशा है। नहीं उठाएंगे, नहीं बनाएंगे लोग, तो बरसात का टाइम नहीं, तो पहले तो बरसात के पहले इसको तो ठीक करा देना चाहिए ना, कि आना चाहिए इनको, इनको समझना चाहिए इस चीज को। बोल रहा था ना कि हमने मिट्टी डलवाया, देखिए यही मिट्टी वो डलवाए हैं, और आज नहीं कम से कम 10 दिन पहले आ करके यहाँ पे 2-4-5 लोग बोले कि इसको सर ठीक करा दीजिए जो भी हो, और इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और जिस तरह से इस पुल को फिर से बनाया जा रहा है, ये पुल पहले यहाँ था जो डायवर्जन है और काफी घुमावदार था, तो और सीधा पड़ता था तो लोगों सीधे गाड़ी चली जाती थी नहर में, और अब क्या हो रही है कि फिर से वो पुल वैसे ही बनाया जा रहा है। देख लीजिए इंजीनियर साहब किस हिसाब से अब इस स्ट्रक्चर को तैयार कराए हैं, और कैसे यहाँ से लोग आ करके फिर से घूम करके जाएंगे। जैसे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं चढ़े हुए हैं, ना उनके पास टोपी है, ना जूता है, और पूरा ये मतलब एक तनाशा के थे, अगर क्या करिएगा, कैसे क्या होगा, उसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपना हम काम करते हैं। देखिए दिखा रहे थे ना कि यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए, देखिए कहाँ घर पड़ी चाचा? यही जी घर पड़ी, माधोपुर। माधोपुर यही जगह बानी लो, ये तरीका से काम होता, लोग गिर जाता, गोड़ टूटता, अभी लोग रोके रोके कुछ करते नहीं। अच्छा जा, अभी तक कोनो इंजीनियर चाहे कुछ भी ऐसा नहीं रहा लो जांच करे आए? इंजीनियर आए थी कि हमनी के नहीं सन बतला सकते सके कि केहू। अच्छा सुरक्षा के दृष्टि से रउरा लोग केजा रिबन डाइवर्जन कोटेशन वर्क प्रोग्रेस लिखे के चाहिए? कुछ नहीं, जैसे बोला था लोग लिखल बटे, लिखल बात कहा ऐसे दिक्कत बा, कहाँ दिक्कत बा, ये रोड के क्या स्थिति बा? अब जब यहाँ पे हम लोग इस तरह का वीडियो बनाए, तो देखिए उधर से रोड रोलर भी आ गया, और यहाँ से जेसीबी भी चल के आ गई। अब थोड़ा सा हम जेसीबी के पास चलेंगे, तो कंप्लेन है तो हम वीडियो दिखाए, तो यहाँ के मंसी है बोल रहे हैं कि हम बोल दिए हैं, बोलो नहीं करता है इस तरह का, वो लोग बोल रहे हैं तो है। नहीं आप तो बरसात के पहले हो जाना चाहिए, बारिश होगा तो पानी कहीं ना नहीं, 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 नहीं जो डाइवर्जन था यहाँ ना लोकेशन दिया गया है कि मतलब यहाँ काम चल रहा है, वर्क प्रोग्रेस है, स्लो आप लोग आइए जाइए, ये सब होना चाहिए कि नहीं? स्लो में तो आना जाना चाहिए, तो लिखना चाहिए ना, वो देखिए कोटेशन जो होता है कि मतलब यहाँ पे एक रूल है ना, जो आरटीडीएस जो है काम कराती है बिहार परिवहन जो भी है, तो उसको इसको देख के कराते हैं, तो यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से काम हो रहा है, आप ही गाड़ी चलाते हैं, कहीं आप ही के गाड़ी से कोई दब के मर जाए, क्या कहिए? देखिए बारिश में कितना भी सुरक्षित करवाइएगा, सुरक्षित नहीं होगा। तो पहले इसको दिक्कत होता ही है, गीला हो गया है, नहीं ये आज नहीं अभी है, 2 महीना से हुआ है, आप ही जानते हैं, 2 महीना से यहाँ साइड पे नहीं है, नहीं है साइड पे ना, तो इसका ठेकेदार और इंजीनियर साहब का क्या है? नहीं जानते हैं, फोरमैन का कुछ भी नहीं जानते, हम लोग अभी 2-3 दिन से आए हैं यहाँ पे साइड पे, हम कुछ नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में, अभी हम लोग आए हैं दूसरा साइड पे। देखिए ये जो ओवरलोडिंग का जो आ रही है उधर से, वो काम करा रहे वही गए नहर में गिरा दिए हैं, वो सही रोड नहीं होने के कारण आपको जुर्माना भरना पड़ेगा जो ठेकेदार है। हम क्या हम तो इस में कुछ जानते नहीं है। ठीक है तो चलिए बात कर सकते हैं आगे जाकर, भर दिए हैं बात, हमको लगा कि आप भर रहे हैं, तो आप नहीं गिरा रहे हैं वहाँ गड्ढा में, अभी जाएंगे तो करने के लिए आएंगे। तो गड्ढे को कहे नहीं आप लोग यहाँ और वो पेड़ के पास भरा है, सब भरा जाएगा, और वहाँ पे मिट्टी ना गिरा कर छाई गिराइएगा, क्योंकि वहाँ पे दलदल है। नहीं मेटल गिरेगा तो मेटल गिरेगा। ऐसे ही खबरों के लिए DNA News को आप लोग लाइक सब्सक्राइब
करते रहिए, और इसको आप लोग जो चार विधानसभा के चार विधायक जब ये हो जाएगा तो फीता काटने के लिए लड़ाई होगा, मारामारी होगा कि इसका हमने प्रस्ताव पारित किया था, हमने सदन में उठाया था इसको। तो जब फीता काटने के, तो पहले आप जांच भी कराइए और यहाँ आके स्थिति भी देखिए कि किस तरह से इस पुल का स्थिति खराब है। पहले भी लोग गिरते थे और आज भी गिर रहे हैं, और पुल का वही स्थिति बन रहा है।